हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग वर्ड्स। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़, जो कि बहुत ही इजी बनने वाली है, वो भी विदाउट कॉर्नफ्लावर या मैदा। तो और आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ आपको लेना है बड़े बड़े आलू, छोटे आलू नहीं, बड़े आलू, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ में हमको ऐसे बड़े बड़े कटिंग्स करने पड़ते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, जैसे एक आलू ले लिया मैंने, इसको छील लिया है और इसके साइड्स हम ऐसे कट कर लेंगे। साइड्स इस तरीके से रेक्टेंगल में हो जाए, ऐसे हमको कट करना है पहले चारों साइड से, ये देखिए। फिर इसको हॉरिजॉन्टली खड़ा करके और हमको ऐसे बीच में से ऐसे कट्स लगाने हैं, एक एक सेंटीमीटर या दो दो, जैसा भी आपको साइज़ चाहिए उसका, उस तरीके से आप इसको काट सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैंने इतना इतना दूर काटा है। और अब इसको हम इस तरीके से नीचे करके और ऐसे काट लेंगे, तो ये इनके शेप्स आ गए, ये हमारे फ्राइज़ के शेप्स आ गए। ये देखिए, बहुत ही प्रॉपर बनेंगे इस तरीके से आपके फ्राइज़ के शेप्स। और जो भी आपको लगता है कि थोड़ा पतला करना है या कैसा भी, तो वो आप अपने हिसाब से करके देख लीजिएगा। अब क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं तो हम साइड्स भी वेस्ट नहीं होने देंगे, और इन सबको भी हम काट के और ये ठंडे पानी में रख देंगे। ये एकदम ठंडा पानी, मैंने बर्फ़ वाला पानी लिया है, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो सब निकल जाए। ये देखिए, अब ठंडे पानी से इसको हमको डालना है गर्म पानी में, इसको हम ब्लांचिंग बोलते हैं। ये देखिए, अभी ब्लांचिंग करना है, मतलब ठंडे से गर्म पानी में हम डालेंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद इसको अच्छे से हम थोड़ा बॉईल होने देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक मैंने इसमें डाला था पर उसकी क्लिप शायद थोड़ी कहीं मिस हो गई है, तो इसमें थोड़ा नमक भी डालना है। और पानी बॉईल पानी में हमको इसलिए डालना है ताकि ये अंदर से एकदम सॉफ्ट रहे। और अभी हम इसको यहाँ पे कूल होने के लिए रख देते हैं, थोड़ा ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसको एक बार फ्राई करेंगे, फिर सेकेंड टाइम डीप फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो चलिए, अभी ठंडे हो चुके हैं, ये देखिए मैंने इस तरीके से रख दिया था। और ठंडे होने के बाद अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, तेल गरम हो चुका है और यहाँ पे हमको फ्राइज़ डाल लेने हैं। पहले प्रोसेस में जब हम फ्राइज़ डालेंगे तब एकदम गरम तेल में डालेंगे और एक मिनट तक डालना है। और हाँ, जब हम पानी बॉईल पानी में जब डालते हैं गर्म पानी में, तो वहाँ पे आपको 5 से 7 मिनट तक रखना है, ठीक है। चलिए, अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, लगभग 50 सेकंड से 1 मिनट तक हमको फ्राई कर लेना है इसको। और फिर इसको हम निकाल लेंगे फ्राई करने के बाद, और थोड़ा इसको इस तरीके से जो जाली वाली है उसके ऊपर रख देंगे, और ताकि इसका तेल भी निकल जाए एक्स्ट्रा और ये थोड़ा ठंडा हो जाए। इसको हमको क्रिस्पी बनाना है। तो ये देखिए, अभी इस स्टेज पे ना आपको स्टोर करना है, तो आप फ्राइज़ स्टोर करने को भी रख सकते हैं, ताकि आप 1 महीने तक आराम से इसको खा सकते हैं फिर से तल के। तो यहाँ पे अगर स्टोर करना है तो आप स्टोर कर सकते हैं। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। ये जब ठंडा हो जाए फिर हम इसको डीप थोड़ा और फ्राई करेंगे अच्छे से, ताकि थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इसका। ये देखिए, इस तरीके से हमको इसको फ्राई कर लेना है फिर से। ये देखिए, तो यहाँ पे 3 स्टेप्स होती है फ्राइज़ में। पहला होता है ब्लांचिंग, ब्लांचिंग के बाद होता है फर्स्ट फ्राई, और फिर सेकेंड टाइम फ्राई करके फाइनल प्रोसेस हो जाती है। अब ये फ्राइज़ जो हमारे मैंने निकाले हैं तेल में से, इसका भी हम तेल सूखने देंगे और इसको चीज़ सॉस डिप के साथ खा सकते हैं, या सॉस के साथ आपको जैसे पसंद हो वैसे खा सकते हैं। और इस पर डायरेक्ट हमको निकलते से इस पर थोड़ा नमक और ब्लैक पेपर डाल देना है, और इसको आप देखेंगे ना तो ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट लगेगा आपको खाने में। बहुत ही टेस्टी बना था गाइस, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसको घर पे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक और ब्लैक पेपर, मतलब काली मिर्ची डालने के बाद। ये देखिए, इस तरीके से हमारे फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। तो चलिए, आप घर पे ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि कैसे बने। और डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियोज़ मैं रोज़ अपलोड करती हूँ, और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, और आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगती है, या फिर आपको कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ मैं फ्राइज़ खाने जा रही हूँ गाइस, आप भी इन्जॉय कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।
और क्वेरीज के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं।